हेलो एवरीवन, पूजा किचन में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त का दिन है। चलिए आज हम कुछ न्यू बनाने का ट्राई करते हैं। बनाएंगे पोहा न्यूट्रीला बॉल्स। चलिए पोहा न्यूट्रीला बॉल्स बनाने के लिए मैंने 1.5 कप पोहा लिया है, 1 कटोरी हरा धनिया, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ गाजर, 2 छोटे प्याज, इनको भी मैंने बारीक काटा है, 8 से 10 कली लहसुन की, 3 टेबल स्पून वाइट तिल, और मैंने यहाँ 15 से 20 सोयाबीन की बड़ी ली है, न्यूट्रीला लिया है, जो सोया सॉस की कैप आती है उसी कैप से मैंने 2 कैप लिया है सोया सॉस। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पोहों को अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। सोयाबीन बड़ी को मिक्सी में बारीक करके पीस लेंगे। हमें इसको ज़्यादा मोटा नहीं करना है, हमें इसको थोड़ा बारीक ही रखना है। और लहसुन प्याज दोनों को मिक्सी में पीस लेंगे। न्यूट्रीला को मिक्सी में पीस लिया है और लहसुन प्याज का पेस्ट भी रेडी कर लिया है। पोहे को भी साफ पानी में धो लिया है। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक बाउल लेंगे, उस बाउल में अपने न्यूट्रीला को डाल देंगे। 1 टेबल स्पून शुगर लेंगे, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक लेंगे, नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 2 टेबल ऑयल लेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो भी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे, तेल गर्म हो चुका है। अब हम अपना न्यूट्रीला का मिश्रण इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। हमें इसको अच्छे से पकाना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए। अब हम इसमें कटे हुए गाजर ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 5 मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। हमें 5 मिनट हो चुके हैं रखे हुए। अब हम इसमें पोहे ऐड करेंगे। धनिया ऐड करेंगे, तिल ऐड करेंगे। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए वापस से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च दरदरी पिसी हुई ऐड करेंगे। गैस बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। हमने अपने मिश्रण को बाउल में निकाल लिया है। अब हम एक एक करके इनके बॉल्स बनाएंगे। हमने सारे बाउल्स बना लिए हैं। अब हम अपने बाउल्स इसमें रखेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।